समझा कि जीवन में कुछ न कुछ करना है। बिल्कुल, आपने शायद एक स्लोगन भी दिया है। देखिए, यहाँ दिखाना चाहूंगा, इन्होंने एक स्लोगन भी लिख रखा है, साइकिल से शिक्षा फैलाने वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड। कई वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इनके नाम है और कई महत्वपूर्ण संस्थाओं ने इन्हें सम्मानित भी किया है। लेकिन हालात ये है, किस्मत का इनके, कि इतने सारे इनके पास, उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं राम नाइक जी, उन्होंने भी आपको सम्मानित किया था। उन्होंने क्या आर्थिक मदद के लिए या कुछ क्या बोला? उन्होंने बहुत प्रशंसा की हमारी, बहुत ज्यादा प्रशंसा की। और प्रशंसा के बाद में हालात यह है कि अगर हम उनसे मिलना चाहें तो हो सकता ना मिले, क्योंकि सिक्योरिटी तो बहुत रहती, बहुत ज्यादा। इसी तरीके से साइकिल लेकर बताया गया, पूरा एक्सप्लेन किया गया, मेरी पूरी स्टोरी सुनाई गई सभी को, वहाँ दर्शक थे, पूरा फंक्शन था बहुत बड़ा। क्या उसका कुछ फायदा आपको वहाँ से मिला सर? बिल्कुल, फायदा तो यही है कि उनका नाम मिल गया मुझे, और उनके नाम से जो है नाम ही नाम है और कुछ नहीं है। दीप्ति जो बता रहे हैं कि ये खुद गए थे वहाँ जहाँ से पूरी सरकार चलती है, और खुद अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार ये कहती है कि स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को सुधारना बेहद ज़रूरी है। लेकिन लेकिन आदित्य की अगर इस साइकिल की बात करें, ये साइकिल इतनी मशहूर हो चुकी है कि आदित्य कहते हैं जब वो किसी गांव से गुजरते हैं तो बच्चे इनकी साइकिल के पीछे पीछे आ जाते हैं। आदित्य, आप मुझसे बातचीत कर रहे थे, आप बताए जब गाँव में, अब किसी गाँव में गए आप इसी साइकिल से, तो वहाँ का क्या माहौल होता है और कैसे आप वहाँ के बच्चों को शिक्षा देना शुरू करते हैं? कैसे पहचानते हैं कि कौन गरीब छात्र है, कौन स्कूल जाता है, किसको शिक्षा देनी है, कैसे इसको आप करते हैं? जब पता लगाते हैं कौन सा गांव पिछड़ा हुआ है ज़्यादा, उस इलाके को, उस गांव को हम सिलेक्ट करते हैं, यानी उसी इलाके में पहुँच जाते हैं। जब हम पहुँचते हैं तो ये साइकिल ही, मतलब आप साइकिल से ही चलते हैं, ये रात दिन मेरे पास रहती। कितने लोग होंगे जो आपसे जुड़ते चले गए और आपके साथ भी अभी हैं, और ये जानकारी मिलते रहते कि हाँ आपके मुहिम के साथ लोग जुड़े हुए हैं? क्योंकि आपकी जो मुहिम है यही है कि कम से कम आप चार बच्चों को जो है निशुल्क शिक्षा दीजिए और उनको कम से कम पढ़ाने के लिए कुछ समय निकाल कर दीजिए। ऐसे कितने अभी बच्चे आपके साथ? सर, एक छोटा व्यक्ति जो रिक्शा चलाता है ना, वो भी पसंद करता है, और कैसे पसंद करता है, अभी लोग हमें 10 रुपए दे देते, कहते हैं कि रख लो तुम। की कहानी में एक मोड़ और मैंने पढ़ रहा था, आप कुछ जगहों पे गए, जैसे कि बात करें, आपने मीडिया की बहुत तारीफ की, आपको मीडिया ने बहुत सहारा दिया, ऐसा आपने बताया। अगर शुरुआती संघर्ष की कहानी में एक मोड़ और मैंने पढ़ रहा था, आप कुछ जगहों पे गए, जैसे कि बात करें, आपने मीडिया की बहुत तारीफ की, आपको मीडिया ने बहुत सहारा दिया, ऐसा आपने बताया। अगर शुरुआती दिनों की बात करें, जब आपने इस मुहिम की शुरुआत की थी, लगभग पार्टी के तरफ से, सरकार के तरफ से, नेताओं के तरफ से कुछ मदद आपको अब तक दी गई? कुछ ये कहा गया कि हाँ आप अच्छा ढंग का काम कर रहे हैं, इस तरीके से जो आप पढ़ो पढ़ाओ, देश को साक्षर बनाओ, आखिर ये मुहिम जो आपने शुरू की है, क्या इसमें कुछ मदद आपको मिल पा रही है सरकार से, राजनेताओं से, किसी से भी? मैं शिक्षा विभाग खुद गया, 100-200 हमने ये अखबार भी दिखाए, अपने बारे में बताया, ताकि अपने बारे में वैसे बताते तो समझ में नहीं आता, तो मैंने अखबार दिखाए, देखिए ये प्रूफ है। तो शिक्षा विभाग में चाय तो वहाँ पिलाई गई और मेरा आदर सम्मान किया गया, मदद के नाम से उन्होंने कह दिया मैं मजबूर हूँ। साइकिल पे जिस तरीके से इनके साइकिल का एक आपको प्रारूप दिखाता हूँ कि कैसे इन्होंने तैयार की है, लोहे के एंगल से इसे बनाया गया है बड़े मजबूती के साथ, और उस डंडे के सहारे जो मैसेज लोगों तक पहुंचाने का काम है, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि राज्यपाल महोदय ने भी, राम नाइक जी जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं, उन्होंने भी इस पर संज्ञान लिया था। लेकिन सरकारें सिर्फ सम्मान देने का काम तो कर देती हैं, लेकिन असल सम्मान जो व्यक्ति को मिलना चाहिए वो अंदर के सम्मान को भूल जाती हैं। आने के पीछे इनका जो मकसद है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मिलना चाहते हैं, ये अरविंद केजरीवाल से मिलने की इच्छा कब हुई आपकी? मैंने टीवी पर, अखबारों में बहुत सुना, बहुत ज़्यादा, वो अक्सर गरीब बच्चों की बात करते हैं और एक आम आदमी की बात करते हैं। सर, मैं भी एक आम आदमी हूँ वाकई में। तो आदित्य की ये जो पहल है, आदित्य जो काम कर रहे हैं, काबिले तारीफ है। उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार और अरविंद केजरीवाल से मिलने की वो बात कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल उनको समय दें और उनकी जो इच्छा है उसको पूरा किया जाए, क्योंकि काम वाकई में सराहनीय है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, जय हिंद। संघर्ष की बात करें, आदित्य इसी साइकिल से 200-250 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए निकलते हैं, और अगर इन्हें भूख लगती है तो जैसा कि हमसे बता रहे थे, क्योंकि अगर बात करें इनकी आर्थिक स्थिति भी सही नहीं है, ये देखिए चना भिगो करके रखते हैं, इसे ये खाते हैं रुक करके, और ये खाने के बाद से फिर अपने जो सफर की शुरुआत है उसके लिए निकल जाते हैं। अच्छा, आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो आप
कितनी है और इस तरीके से कहाँ कहाँ आप जाते हैं, तो कम से कम ये भी तो एक सवाल आता होगा कि क्या आप कहाँ तक पढ़े हैं तक। अगर बात करें इस मुहिम के साथ, ऐसे कितने लोग होंगे जो आपसे जुड़ते चले गए और आपके साथ भी अभी हैं और ये जानकारी मिलते रहते कि हाँ आपके मुहिम के साथ लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपकी जो मुहिम है यही है कि कम से कम आप 4 बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा दीजिए और उनको कम से कम पढ़ाने के लिए कुछ समय निकाल कर दीजिए। ऐसे कितने अभी बच्चे आपके साथ इसी काम के लिए अब तक शादी नहीं की है, तकरीबन 20 से 22 सालों का जो समय है इन्होंने इसी साइकिल के लिए गंवा दिया और देश के लिए गंवा दिया कि लोग जो हैं, जो बच्चे हैं जो मलिन बस्तियों में रहते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे कुछ बच्चे आपको देखते ऐसे सड़क पर भी मिल जाएंगे, आखिर इन लोगों के भविष्य के साथ कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे उनका भविष्य और सुनहरा हो, तो उनके उनको पढ़ने और पढ़ाने का जो जिम्मा है आदित्य जैसे लोगों ने अपने कंधे पे उठा रखा है। सवाल यह है कि आखिर सरकार इस योजनाओं की तरफ क्यों ध्यान नहीं देती है, आखिर ये भी सरकार की योजनाओं में शामिल हो सकती हैं। आदित्य जैसे लोग एक मिसाल हैं पूरे भारत के लिए, पूरे देश के लिए, और आदित्य जैसे लोग गौरव हैं सरकार के लिए भी। आदित्य ने लखनऊ के DM आवास से अपनी साइकिल यात्रा की शुरुआत की है, आगे आदित्य की यात्रा लगातार जारी रहेगी, लेकिन आदित्य जैसे ना जाने और कितने युवा हैं जो इस देश के लिए लगातार कदम दर कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी भी उनके हाथ सिर्फ निराशा लगी है। कैमरामैन कालीकांत झा के साथ गौरव, से लगते हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो बड़ा विवादों में चल रहे हैं। जब आप दिल्ली आए तो आपने किसी से पूछा कि अगर मैं अरविंद केजरीवाल से मिलता हूं तो मुझे समय मिलेगा या नहीं मिलेगा, कैसा लगा अरविंद केजरीवाल का आपको अब तक? वैसे मैंने लेटर एक लिखा दिया तो उन्होंने उसको उस तरीके से नहीं लिया जिस तरीके से लेना चाहिए, लेकिन मेरी शिकायत नहीं, बांस हमने फोन नंबर भी लिया था कि सर अगर हम इसके बारे में पता करना चाहें तो एक फोन नंबर दे दिए, फोन नंबर भी दिया, तो फोन नंबर यह है कि दो दिन बाद हमने मिलाया तो वो फोन काम नहीं कर रहा। आदित्य का ये व्यवसाय नहीं है, आदित्य ने महज इसी काम के लिए अब तक शादी नहीं की है, तकरीबन 20 से 22 सालों का जो समय है इन्होंने इसी साइकिल के लिए गंवा दिया और देश के लिए गंवा दिया कि लोग जो हैं, जो बच्चे हैं जो मलिन बस्तियों में रहते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे कुछ बच्चे आपको देखते ऐसे सड़क पर भी मिल जाएंगे, आखिर इन लोगों के भविष्य के साथ कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे उनका भविष्य और सुनहरा हो, तो उनको पढ़ने और पढ़ाने का जो जिम्मा है आदित्य जैसे लोगों ने अपने कंधे पर उठा रखा।